नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। तो आज से हम लोग स्टडी न्यूज़ में ज्योग्राफी विद मैपिंग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर वन इंडिया इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो में भारत का परिचय यानी भारत की मूलभूत बातें जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एकदम सरल भाषा में भारत के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, पर स्वयं एक महाद्वीप की तरह दिखता है, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप की उपाधि भी दी गई है। यह विश्व का अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत का प्राचीनतम नाम आर्यव्रत है। आर्यव्रत भी इसका नाम भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर नामकरण किया गया था। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। अब हमारे देश का नाम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। भारत का सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। यह कभी अफ्रीका महाद्वीप का भाग हुआ करता था। हमारा भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पर आप बड़े ध्यान से समझिएगा, भारत का जो लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया या जिसे कहते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब आप इस मैप में ध्यान से देखिए, ये तमिलनाडु कन्याकुमारी में, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और उत्तर में इंदिरा कौल जो उत्तरतम बिंदु है जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट। और बात करें अब लॉन्गी ट्यूडिनल एक्सपेंशन के बारे में, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यानी देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। अब यहाँ पर आप मैप में देखिए, गुजरात के पास यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट गोरमोथा, जो गुजरात का एकदम पश्चिमी बिंदु है, लेकिन पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध के हिसाब से ये ईस्ट में पड़ेगा, इसलिए ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और फिर इधर ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक विस्तार है। अब यहाँ पर सभी मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। भारत का नॉर्दर्न पॉइंट जो है वो इंदिरा कौल है, जो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अब ये लद्दाख में है। भारत का सदर्न पॉइंट यानी दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ये ग्रेट निकोबार द्वीप आइलैंड में है। यदि भारत के मेनलैंड के दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो ये केप कमोरिन कन्याकुमारी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, लेकिन हमारे देश के अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप पर पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट होगा, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। अब बात करते हैं पूर्वी बिंदु या ईस्टर्न पॉइंट के बारे में, जो किबिथू या वालुंग है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और वेस्टर्न पॉइंट भारत का रजहरा क्रिक या गोरमोथा है, जो गुजरात में है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है या नॉर्दर्न पॉइंट हमारे भारत का, यह पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अभी हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य को बदलकर 2 यूनियन टेरिटरी, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बदल दिया है। तो उत्तरतम बिंदु जो इंदिरा कौल है वो लद्दाख में आ गया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए लंबाई के बारे में, हमारे भारत का ईस्ट से वेस्ट की लंबाई या जिसे चौड़ाई भी कह सकते हैं, ये 2,933 किलोमीटर की है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर की है। हमारा देश 7 देशों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें बांग्लादेश से सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है, जो 4,096.7 किलोमीटर है। इसके बाद चाइना, जो 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। इसके बाद पाकिस्तान है, जो 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर नेपाल है 1,751 किलोमीटर, फिर म्यांमार है 1,643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। यह सारी जानकारी मैं आपको वास्तविक मैप यानी भारत के वास्तविक मैप से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप सभी देशों से लगे राज्यों के बारे में भी जानकारी ले लीजिए। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान से हमारे देश की 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी सीमा साझा करती हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य
और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी सीमा साझा करती हैं। अब चाइना को ले लें तो चाइना के साथ एक यूनियन टेरिटरी और चार राज्य अपनी सीमा साझा करती है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, फिर राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चार राज्य सीमा साझा करते हैं। अब नेपाल को देखिए, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर थोड़ा सा पश्चिम बंगाल और सिक्किम, एक दो तीन चार और पाँच, पाँच राज्य सीमा साझा करते हैं। फिर यहाँ पर है भूटान, भूटान के साथ हमारे देश के चार राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आपको याद रहे कि भूटान और बांग्लादेश सीमा साझा नहीं करते, क्योंकि पश्चिम बंगाल और असम एक दूसरे को जोड़ते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे देश के पांच राज्य सीमा साझा करते हैं, इसमें आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर आप देखिए, ये पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय, असम, ये त्रिपुरा, और क्योंकि बांग्लादेश यहाँ तक है तो मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, और फिर म्यांमार, म्यांमार के साथ भारत के चार राज्य सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चार राज्य म्यांमार की सीमा को साझा करते हैं, और म्यांमार बांग्लादेश के साथ भी लगा हुआ है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जो हिंद महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ से गिनना शुरू कीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये टोटल नौ राज्य हुए जो हिंद महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। याद रहे कि त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, यह किसी भी प्रकार से बे ऑफ बंगाल या हिंद महासागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब स्थलीय सीमा की लंबाई का मतलब क्या है, तो यहाँ पर ये गुजरात के उत्तरतम सीमा से लेकर म्यांमार या यहाँ से त्रिपुरा के सीमा को लेते हुए पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग की सीमा तक की लंबाई को स्थलीय सीमा कहते हैं, और भारत के मुख्य स्थल भाग के तटीय सीमा या जलीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। अब आप जलीय सीमा को समझ ही रहे होंगे कि गुजरात के इस भाग से ये लेते हुए जितनी भी जलीय सीमा के साथ लगी हुई है, इस सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। और बात करें भारत के कुल जलीय सीमा की लंबाई, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह भी आते हैं, यह टोटल हो जाएगा 7,517 किलोमीटर। आप जानते ही हैं कि भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो आठ राज्यों से होकर गुजरती है। इन आठ राज्यों को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। यहाँ पे ये आठ राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की अक्षांशीय रेखा को कहते हैं। जिस मानक समय रेखा के हिसाब से भारत में समय का निर्धारण किया जाता है, वह भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो पांच राज्यों को काटती है। ये पांच राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रसिया में 11 टाइम जोन लाइन है, क्योंकि आप रसिया का मैप देखेंगे तो उसका देशांतरीय विस्तार काफ़ी बड़ा है। भारत में भी दो स्टैंडर्ड टाइम लाइन करने के लिए बात चल रही है। अब यह भी जानना जरूरी है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में बैकुंठपुर के निकट एक दूसरे को काटती हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद बांग्लादेश। ऑप्शंस है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो मैंने आपको मैप में बहुत ध्यान से बताया था, तो यहाँ पे आंसर त्रिपुरा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे आंसर मणिपुर होगा। यहाँ पर आप मैप में देखिए, जो मणिपुर है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश के साथ
त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये तीनों ही राज्य सीमा साझा करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शन हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड। प्रश्न यह है कि कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4 या ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, बाकी गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ मैप में आप देख सकते हैं एक बार फिर से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये टोटल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, इंडियाज स्टैंडर्ड टाइमलाइन डज नॉट पासिस। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो मैप में आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, लेकिन तेलंगाना से मानक समय रेखा होकर नहीं गुजरती। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये है तेलंगाना, यहाँ से मानक समय रेखा होकर नहीं गुजरती, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन 3 साइड्स। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या भारत का कौन सा राज्य जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो इसे भी मैंने वीडियो में बताया था कि त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप मैप में एक बार फिर से देख लीजिए, ये है त्रिपुरा और बांग्लादेश की बॉर्डर यहाँ तक है, तो ये तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो ज्योग्राफी विद मैप में आज के लिए बस इतना ही, हम इसे चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।